सतगुरु साई 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 चरणों में अपने रहने दे मुझको, चरणों में अपने रहने दे मुझको, यही तमन्ना मेरी है। ओम साई राम। नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा। साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और ढेर सारा बाबा का प्यार। कहते हैं कि जब बाबा के भक्त, अनन्य भक्त जब आपको अपना अनुभव बताते हैं, उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जब कोई नहीं आता तो बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता तो बाबा आते हैं, जब किसी का कोई आस नहीं होती, जब जिंदगी जीने की इच्छा नहीं होती, एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस लोगों को जीने की प्रेरणा देते हैं। तो आज मेरे साथ एक भक्त जुड़ रहे हैं, तो आप अपना सबसे पहले तो ओम साई राम बोले। ओम साई राम। कहाँ से भैया आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि भूषण सानी है। शशि भूषण जी, तो बाबा से कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए? बाबा से 2002 से मैं बाबा से जुड़ा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाबा ने मुझे सब कुछ कर देगा, लेकिन बाबा ने इतनी आज दे दी है ना, किसी कमी नहीं है। कमी है सिर्फ बाबा को प्यार। मैं यही कहता हूँ कि बाबा हर रोज, हर शाम, हर सुबह हमारे होठ पे तुम्हारा ही नाम आते हैं। सुबह शाम सोते बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तुम हो बाबा मेरा नाम हो रहा है। बिल्कुल, तो मैं ये लाइन जरूर गाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे पूछने जाऊंगी। करते तो तुम हो बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ जो हो मेरे, किस चीज की कमी है? राइट, अगर बाबा साथ है तो किस चीज की कमी है? इसलिए कहता हूँ कि बेसहारों का सहारा तेरा दरबार है, साईं तेरे ही भरोसे मेरा परिवार। क्या बात है, साईं तेरे भरोसे। तो पहला चमत्कार आपके लाइफ में, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई जब बाबा 2002 में आपसे बाबा से जुड़े, बाबा ने आपको टाइच किया, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या हुआ? सबसे पहले यही था, बाबा ने काम धंधा अच्छे कर दिया, बाबा ने घर बना के दिया, बाबा ने शादी करा दिया, बाबा की कृपा से बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं बढ़िया, अच्छे हैं, अच्छे घर में हैं। इससे बढ़कर और दौलत क्या है बाबा? मैं आपसे चाहूंगी कि इसको आप विस्तार में बताएं, पहला चमत्कार। फिर से मैं आपसे पहले कहते रहा हूँ मैडम जी, कि पहले बाबा का ऐसी चमत्कार था कि कुछ भी नहीं था हमारे पास, और बाबा का ऐसी कृपा हुआ है कि द्वारका माई से मिली और बाभूति की यूज करने लगा, उसके बाद बाबा ने हमारे हर जगह बाबा दिखने लगा, और जो चाहता हूँ आज वो उसी दिन मिलता मुझे बाबा की कृपा से। कभी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए लाइफ जी? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, जब बल्कि ऊपर तक ही बाबा पहुंचा रहे हैं, उतार चढ़ाव नहीं आया। अभी आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बाबा का नाम ले रहा हूँ और जी रहा हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बाबा के दर पर आए और खुशी से दर्शन ले, और भक्तों को सूचित यही करके जाए कि बाबा सब दिन यहीं भरा रहे, यही दर पे खाली ना हो बाबा का। बिल्कुल, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी आप क्या काम कर रहे हो? मैं यही काम कर रहा हूँ जो लोगों को यही सलाह देता हूँ कि अच्छी रहो और बाबा के चरणों में जाओ। जैसे और कि आपने मुझे बताया था कि आप अभी मंदिर में सेवा दे रहे हैं। जी, मंदिर में सेवा दे रहे हैं। आप बताएं क्या? हाँ, तो मंदिर में भी सेवा दे रहे हैं, सबको हम करते हैं। हम आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे तो पढ़ रहे हैं। कौन, कितने बच्चे हैं ये भी बताएं? 3 बच्चे हैं हमारे, 2 लड़के हैं। आपको आप ही कैसे जो है बाबा की भक्त हो, जो लोग आपको देखेंगे कुछ सीखेंगे, उनके सीख के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बाबा पे भरोसा है कि बाबा ना किसी को भूखा सुलाया ना सोएगा, जो इनकी चरणों में आएगा वो धन दौलत से भर जाएगा, और जब तक रहेगा वो सांस बाबा में मिला के रखे, बाबा की तरह स्वर्ग हो जाएगा। क्या बात है, कोई भजन सुनाते हैं? भजन तो सुनाई देंगे हम। सुनाइए, सुना दीजिए। नए वाला सुनो, पुराने वाले? पुराने वाले सुनाइए। तो मेरे घर की आग साईं नाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो मेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर की साईं नाथ तेरा मंदिर बन जाए। और क्या कहना, यही साईं भक्तों से कहेंगे
कि हर लोग लाइक करे इस वीडियो को और जितना हो उतना शेयर करे और बाबा के चरणों में हमेशा आते जाते रहे। जय ओम साई राम। तो देखा कि ये साईं भक्त जब बाबा से जुड़े 2002 में, तब से इनकी ज़िंदगी चेंज हुई और इनके पास, आपके पास घर नहीं था, बाबा ने घर दिया। आपको काम नहीं था, बाबा ने काम दिया। आपके दो तीन बच्चे हैं, एक बेटी है और दो बेटे हैं, बाबा ने आपको नवाजा। बाबा ने आप आज आप सक्षम हो और आप कमा रहे हो और यही प्रेरणा है कि बाबा जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, बाबा हाथ नहीं छोड़ते, आप हाथ छोड़ देते हो। तो हमें करना क्या है, सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा बाबा का स्मरण करना है, बाबा को याद करना है, हर दुख सुख में बाबा को थैंक्स बोलना है। और मैं साई तीन साई पूजा की तरफ से मैं श्री साई बाबा का प्यारा सा स्वरूप इस भाई को मैं अर्पण कर रही हूँ, दे रही हूँ। बाबा बाबा आपके घर जाए और बाबा और बरकत करे। ओम साई राम।